नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व आईपीएस हरीश कुमार आज बीजेपी में शामिल हुए हैं, जहां उनका साफ तौर पर कहना है कि सपा पुरानी पार्टी है और हमें बीजेपी का नारा जो कि सबका साथ सबका विकास है, अब उस पर काम करना है। विचार आता है, आपने देखा होगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो उनका इस्तेमाल करके एक साल करके देख लिया, वहाँ है जवानी है कुर्बान के अलावा और कुछ नहीं है। जो नौजवान है अलावा वहाँ नारे लगाने के और कुछ भी नहीं है। अगर है कहीं तो भारतीय जनता पार्टी में आशा की किरण है, सबका साथ सबका विकास है, अपराध को लेके जीरो टॉलरेंस की नीति है। और आप भी मीडिया से, मैं भी पुलिस अधिकारी रहा हूँ, बहुत पुलिस के सरकारों में पुलिस अधिकारी रहते हुए सरकारों में काम किया है, बट आज की डेट में अगर यूपी में कहा जाए तो शायद पुलिस अधिकारी के तौर पर, कर्मचारी के तौर पर काम करने का इससे बेहतर अवसर कम सरकारों में मिला होगा। मिनिमम प्रेशर एंड मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू डू द वर्क, फेयर वर्क। सर, जब समाजवादी में ज्वाइन हुए होंगे तब उसके लिए, उसको लेकर भी आपको यही ख्याल होंगे ना दिमाग में कि वो अच्छी पार्टी है? नई सपा नई हवा था, लेकिन वाकई में पुरानी सपा थी, पुरानी हवा थी, कुछ भी नया नहीं। अगली खबर आजमगढ़ से है, जहां जेल पहुंचे कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कैदियों से संवाद किया है। इस दौरान धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि यूपी की जेलों में अब हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। इसमें कोई धार्मिक मकसद नहीं है, ना कोई फाउंडेशन है। जो कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता है उसके लिए हमारी तरफ से किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसको पढ़कर कैदी मानसिक अवसाद से बाहर निकले और अपने आप में सुधार करे। दरअसल हर धर्म के लोग जेल में है, किसी अन्य धर्म को कोई भी धार्मिक वस्तु की आवश्यकता होगी तो वो भी विभाग की तरफ से पूरी की जाएगी। यदि हनुमान चालीसा सुंदरकांड का शनिवार मंगलवार को पाठ करते हैं, स्वेच्छा से करते हैं, नवरात्रों में जब हम मिष्ठान और फल वितरण करने गए, वहाँ सुंदरकांड की हमारे पास कुछ पुस्तकें थी, हमने जब बांटी तो कह दिया, हम स्पर्धा देखी हमने, वो ये सोच रहे थे कि कहीं मैं ना रह जाऊँ, चूँकि हमारे पास पुस्तकें कम थी, कैदियों की व्रत वालों की संख्या ज़्यादा थी। ऐसे ही फिर हमने मथुरा में और आगरा में जब बांटी तो वहाँ भी स्पर्धा देखी। तो ऐसा कोई उद्देश्य इसमें नहीं है कि जबरदस्ती किसी पे हनुमान चालीसा सुंदरकांड पढ़ने के लिए कहा जाए। स्वेच्छा से जो पढ़ना चाहे वो पढ़े और पढ़ते हैं। सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ शनिवार मंगलवार को जेलों में करते हैं कैदी। जो जिस, हमारा उद्देश्य ये है कि जो जिस धर्म को मानता हो उनका वो अनुसरण करे, उनकी किताबें पढ़ना चाहे उनकी किताबें पढ़े, मंत्र का जप करना चाहे तो मंत्रों का जप करे। हमारा उद्देश्य है कि कैदियों की जो आपस की चर्चा है, केसों की जो चर्चा है, वो चर्चा से कैदी बचें और अच्छे नागरिक बन करके, एक बेहतर इंसान बन करके बाहर जाएं, दोबारा कोई वो गलती न करें जिसके कारण वो उन्हें जेल में आना पड़े, ये उद्देश्य। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 28 नवंबर यानी कि कल से शुरू होने जा रहा है। 66 साल बाद योगी सरकार ने विधानसभा सत्र नए नियमों के साथ संचालित करने का फैसला लिया है और पिछले सत्र में ही बदलावों का अनुमति मिलने के बाद अब इस सत्र से इन्हें लागू कर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत अब नेताओं को सदन में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा सत्र के दौरान सदन में झंडा और बैनर ले जाने पर भी प्रतिबंध होगा। वही योगी सरकार के दौरान नारी शक्ति को प्राथमिकता देने के संकल्प का सदन में भी अब असर देखने को मिलेगा और सत्र के दौरान महिला सदस्यों को बोलने में भी खास वरीयता दी जाएगी। लखनऊ में कैसरबाग डिवीजन के अंतर्गत जल्दी आए ज्यादा लाभ पाए एक मुश्त समाधान योजना शिविर लगाया गया है, जहां शिविर में पहुंचे बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया और अवर अभियंता शिविर में पहुंचे उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करने में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि यूपी पावर कॉरपोरेशन के उपभोक्ताओं की सेवा के लिए ये शिविर लगाया गया है। उपभोक्ताओं का एक मुश्त समाधान योजना को फायदे भी बताए गए हैं। आज हमारे यहाँ एक कैंप लगाया गया है माननीय ऊर्जा मंत्री जी के नेतृत्व में, ऊर्जा स्कीम जो आई है हमारे विभाग में, तो इसके तहत हमने ये कैंप लगाया हुआ है, जिसमें आज
25 लोगों ने ओटेस्ट कराया ऐसे तो यहाँ कैंप में, और कुछ ऐसे भी हैं जो उपकेंद्र पे जाके करा लिया है या तो फिर हमारे कैश काउंटर पे करा लिया है। क्या सुविधा दी जा रही है? जो सुविधा इसमें ये दी जा रही है कि जो जिनका बिल बकाया है और उसमें जो सर्ज है, मतलब जो ब्याज है, ब्याज माफ़ी है, और उसकी जो किस्त है, मालिक अगर वो वन टाइम पेमेंट कर दे रहा है तो पूरा जमा हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो जो किस्तें बना लेते हैं, किस्त में जो उनका क्या नाम रेसे तो जो है जमा करके उसको अपनी किस्त नेटवर्क से जमा करते रहेंगे, जो इनकी किस्त बनेगी वो किस्त इनकी बिल में ऐड होती रहेगी, मंथली बिल प्लस किस्त ये हर महीने पे करेंगे अपना। ये सूट है विद्युत चोरी वाले में, ये है कि विद्युत चोरी में इनको सिर्फ अपना 35% जमा करना है, 10% रजिस्ट्रेशन और 25% और प्लस अपना समान शुल्क, यानी राजस्व निर्धारण पर ही सिर्फ हमारा 35% है और बाकी समान शुल्क को जमा करना है। खबर रायबरेली से है जहां कार्तिक पूर्णिमा पर भीषण सड़क हादसा हो गया है जिसमें बाइक सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है, और बताया जा रहा है कि दोनों युवक कार्तिक पूर्णिमा पर डलमऊ घाट से गंगा स्नान करके वापस लौट रहे थे, और मृतकों में एक की शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी, वही बाइक पर गाँव का ही एक अन्य बच्चा भी सवार था जिसे मामूली चोट आई है। घटना गंगा नहा के लौटे थे, वहाँ भी एक्सीडेंट हो गया। कितने लोग खत्म हुए हैं? दो लोग। कहाँ से थे लोग? बाइक से। किस चीज़ से टक्कर हुई? टैंकर में। इनकी शादी कितने दिन पहले हुई थी? आपकी 23 तारीख को हुई थी। क्या नाम था जिनकी शादी हुई थी? लकी पाल। उम्र कितनी होगी? उम्र 21-22 थी। जो दूसरे खत्म हुए उनका क्या नाम? उनका शुभम साहू। ये सब लोग किस गांव के रहने वाले थे? दोस्तपुर बुढ़वारा। दोस्तपुर। एक बच्चा आया हुआ है जिसका पैर टूटा हुआ है, फ्रैक्चर लगा, और उसके द्वारा ये बताया गया कि वहाँ भी दो लोग घायल हैं, शायद उनकी मृत्यु हो चुकी है जैसा वो लोग बता रहे हैं। अभी तक आप इसमें कोई सूचना मेरे पास नहीं है। इस बच्चे की स्थिति क्या है? बच्चा ठीक है, बच्चे का पैर फ्रैक्चर लग रहा है, एक्सरे के बाद क्लियर हो। डी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दोस्तपुर बुढ़वारा के पास एक अज्ञात वाहन ने तीन बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी, जिससे कि दो जो बाइक सवार युवक थे, शुभम पुत्र अमरनाथ और इंद्रजीत पुत्र शिव बालक, इनकी मौके पर मृत्यु हो गई, जबकि एक अन्य युवक घायल है। स्थानीय पुलिस द्वारा शवों को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा गया और जो घायल है उसको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है, अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बुलंदशहर से है जहां सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां रोडवेज बस और ऑटो में भीषण टक्कर के बाद ऑटो सवार दो यात्रियों की मौत हो गई है और चार लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं हादसे के बाद रोडवेज बस का चालक मौके से फरार हो गया, फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बुलंदशहर के अनूप शहर में कार्तिक पूर्णिमा मेले में पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा मैया में आस्था की डुबकी लगाई है, और मेले की व्यवस्थाओं को लेकर एसडीएम अनूप शहर, सीओ और नगर पालिका ईओ के साथ सफाई का निरीक्षण किया गया है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि मेले में खरीदारी कम हुई है, जिससे कुछ दुकानदार मायूस नजर आए, जबकि मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीओ ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सजग रहने के सख्त निर्देश दिए। ऐसी हो रही है अब की दबार में हो ही ना रही, वहां से पहले दुकान पल्ली तरह भी ना, वहाँ दुकान बढ़िया रहे मई, अब वहाँ से उठ कर चेंज हो गई दुकान ही। तो किस तरह के ग्राहक आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं ग्राहक, बहुत कम की तरह आ रहे हैं वहाँ पर, बहुत सही। अब की बार मेला जैसे घोषित किया गया है प्रांतीय मेला, तो उस हिसाब से आपको लोगों को जो आप इतना सब कुछ लगाए बैठे हैं, तो दुकानदारी नहीं है मेला आपकी? नहीं है, नहीं मिल रहा है ऐसा कुछ? नहीं। ठीक, अभी तो थोड़ा हल्का ही चल रहा है। तो क्या ग्राहक नहीं है? क्या सामान नहीं दिख रहा है? यहाँ ग्राहक ना अंदर में, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है मार्केट में। मसराम घाट पर ऊपर यहाँ पर जो है कि आप लोगों ने दुकान लगाई, कैसी है अम्मा इस बार गंगा पूर्णिमा पर? किस किस ये पब्लिक कहाँ आई है भाई? अच्छा, आने की उम्मीद है क्या? हाँ, पब्लिक सवेरे को नहा अभी नहीं, रात्रि में किस तरह का माहौल है मेले का? रात में तो ऐसा ही भैया, यहाँ पट्टी को तो कम चलते हैं, तो काफी पल्ली पट्टी से।
कौशाम्बी जिले के सभी थाना क्षेत्रों में सुबह 5 बजे से 7 बजे तक अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने 503 धार्मिक स्थलों का निरीक्षण किया, जिसमें नियमों के खिलाफ लाउडस्पीकर बजाने पर 203 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारे गए हैं। साथ ही कुछ स्थानों पर हिदायत के साथ ध्वनि कम कराई गई है। वही SP ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव और ASP समर बहादुर खुद पुलिस फोर्स के साथ इस अभियान में शामिल रहे। शासन के निर्देशों के क्रम में आज जनपद कौशाम्बी के प्रत्येक थाना क्षेत्र में प्रातः 5 बजे से 7 बजे तक धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों पर लगाए हुए लाउडस्पीकरों को चेक किया गया तथा मानक के विपरीत और अवैध रूप से लगे गए तमाम लाउडस्पीकर उतरवाए गए हैं और कई लाउडस्पीकरों की ध्वनि भी कम कराई गई है। बार बार संवाद करने के बाद भी जो लोग उसका उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ हम विधिक कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में मौसम का रुख बदल रहा है। कुछ राज्यों में तेज बारिश के आसार है तो कहीं बर्फबारी और ठंड बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक आज कई राज्यों में तेज बारिश होने की संभावना है, जिसके बाद पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ जाएगी। दरअसल इस समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी हिमालय के ऊपर काफी सक्रिय है और दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से 26 नवम्बर को कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 27 नवंबर तक बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। वहीं 26 नवंबर को बिजली कड़कने के साथ ओले भी गिर सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम TV।